वेल हेलो गाइज, दिस इज टोनी एंड यू आर वॉचिंग गैजेट बिट यूट्यूब चैनल। अब यार देखो, सभी लोग डब्बे लेकर बैठे हुए हैं, सभी लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो भाई ऐसे कंपटीशन के ज़माने में तुम्हारे टोनी भाई कैसे पीछे रह जाएं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कॉस्मिक बाइट की तरफ से आने वाला कॉस्मिक बाइट का नेव्यूला वायरलेस कंट्रोलर। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बॉक्स को अगर तुम परचेज करने जाते हो तो भाई इस बॉक्स के अंदर तुम्हें कंट्रोलर के साथ और क्या क्या मिल जाता है, ये तो जानना जरूरी है ना। और साथ ही हम इसके फीचर के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे एंड ये कंट्रोलर किन लोगों को लेना चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड दी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो कि है पैसा पैसा पैसा। तो भाई ये कंट्रोलर अगर तुम परचेस करने जाते हो तो तुम्हें कितने का मिलता है, इस चीज के बारे में भी बात करेंगे। तो गाइस वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब ज्यादा बोर ना करते हुए लेट्स स्ट्रेट इनटू इट। आई नो यू टोल्ड योर फ्रेंड यू आर नॉट ओके एंड टेल मी व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाई यू नेवर सेड यू फेल्ट दैट वे। गाइस देखो, अगर तुम नए हो इस चैनल पर तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही गेमिंग पीसेज एंड पीसी बिल्ड से रिलेटेड कंटेंट के बारे में। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है गेमिंग पीसेज या फिर पीसी बिल्ड से रिलेटेड कंटेंट में तो भाई अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि इन फ्यूचर में जो भी न्यू वीडियोज अपलोड करूंगा मिल जाएगी आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। ज्यादा बोर ना करते हुए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो देखो कुछ इस टाइप का बॉक्स तुम्हें मिल जाता है, फ्रंट में तुम्हें भाई सीधे सीधे लिखा हुआ मिल जाएगा कॉस्मिक बाइट नेब्यूला और इसके कुछ फीचर्स तुम्हें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो देखो फीचर एक तरफ और जो हम हैंड ऑन टेस्ट करेंगे इसका वीडियो में वो एक तरफ। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना इस फीचर्स की, तो भाई इस कंट्रोलर के अंदर तुम्हें 600 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि भाई वायरलेस कंट्रोलर के अकॉर्डिंग ना डिसेंट है, इतनी ज्यादा भी नहीं इतनी कम भी नहीं है। हाँ, इस कंट्रोलर को तुम आराम से अगर एक बार चार्ज कर लिया ना और तुम कैजुअली गेमिंग करते हो थोड़ी बहुत, तो आराम से कंट्रोलर तुम्हारा एक हफ्ते से ऊपर ही निकाल देगा। बिकॉज मैं इस कंट्रोलर को ना, तुम्हें पता ही है मैं इस कंट्रोलर को लास्ट 6 months से यूज कर रहा हूँ, जनवरी में मैंने इसे ऑर्डर किया था और मुझे इस कंट्रोलर को यूज करते हुए ना काफी टाइम हो चुका है और इस टाइम के अंदर ना मैंने इस कंट्रोलर पर काफी अच्छी गेमिंग की है, तो मुझे पता है इसका बैटरी बैकअप आराम से एक हफ्ते से ऊपर निकाल ही देता है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, इसके अंदर तुम्हें एक यूएसबी टाइप सी ओटीजी भी मिल जाता है, जो कि मैं तुम्हें ओपन करके दिखाई दूंगा। नेक्स्ट इसके अंदर एक टर्बो मोड भी मिल जाता है। देखो टर्बो मोड का पता क्या फीचर है, मतलब जैसे कि तुम्हें रनिंग करनी है और अपने ए बटन को बार बार प्रेस करना पड़ता है GTA 5 में, तो तुम टर्बो दबा के ए बटन को प्रेस कर दो, देन तुम्हें उस बटन को ना बार बार प्रेस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार होल्ड करके रखोगे तुम और जो टर्बो है वो अपना काम दिखाता रहेगा। ये चीज काफी अच्छी लगी मुझे इस कंट्रोलर में। अब फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। यार तुम भी सोच रहे होगे टोनी भाई बोर कर रहे हो, कंट्रोलर तो तुमने दिखाया नहीं, तो चलो भाई कर लेते हैं जल्दी से। तो भाई तुम देख सकते हो कुछ इस टाइप के कंट्रोलर की पैकेजिंग मिल जाती है तुम्हें, जो कि डिसेंट है, मतलब इतनी अच्छी भी नहीं है इतनी बुरी भी नहीं है, डिसेंट है, डिसेंट सी पैकेजिंग है। और इसके ऊपर तुम्हें रखा हुआ दिख रहा होगा कंट्रोलर। अब गाइस ये जो कंट्रोलर है ना उसमें तुम्हें काफ़ी टाइप की कलर थीम मिल जाती है, एक प्लेन ब्लैक भी आता है, बट ये जो कंट्रोलर है ना वो मैंने कैमो ब्लैक थीम के साथ मंगवाया। और एक बार तुम कंट्रोलर देखो भाई, कैमो ब्लैक थीम के साथ ना ये कंट्रोलर काफ़ी अच्छा लगता है। कैमो रेड कैमो ब्लू थीम भी आती है, बट काइंड ऑफ मुझे ये वाली जो कैमो ब्लैक थीम है ना ये काफ़ी अच्छी लगी, बिकॉज इसके अंदर ना ब्लैक एंड हल्का सा ग्रीनिश एंड ग्रे टाइप का फीचर है, मतलब ग्रे टाइप का जो थीम है वो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। एंड साथ ही इस कंट्रोलर में जो तुम्हें बटन्स के अंदर की थीम मिलती है ना वो तुम देख सकते हो, काइंड ऑफ येलो कलर की थीम है, और ये जो कंट्रोलर ना इस थीम के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब पहले रख लेते हैं कंट्रोलर को साइड में एंड बात करते हैं कि भाई अदर बॉक्स कॉन्टेंट हमें क्या क्या मिल जाते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज जो कि आज की डेट में कोई भी यूज नहीं करता है और मेजोरिटी ऑफ सभी के पीसी में ना इस चीज का कोई यूज नहीं है भाई, ये है ड्राइवर की सीडी। और अभी सीडी का ना भाई कोई भी यूज नहीं है, बिकॉज यार किसी के पीसी में भी ना मेजोरिटी ऑफ गेमर्स और मेजोरिटी ऑफ पीसी बिल्डर जो भी है ना सीडी डी राइटर का कोई भी यूज नहीं करता है। किसी के भी पीसी में सीडी डीवीडी ड्राइव मिलेगी नहीं, तो इस सीडी का तो कोई यूज ही नहीं है, इसे रख लो साइड में। एंड देन बात करते हैं अदर चीजों की, तो इसके अंदर एक डेटा केबल मिल जाती है। और डेटा केबल भाई हाँ, जो लोग ये जानना चाहते थे ना कि इसमें तुम्हें चार्जिंग के लिए कौन सा पोर्ट मिलता है, तो भाई नॉर्मल सा यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट इसके अंदर नहीं है, जो नॉर्मल पहले ओल्ड जनरेशन का पोर्ट है ना टाइप ए वाला वही पोर्ट तुम्हें इसमें मिल जाता है। तो ये जो फीचर है ना मुझे थोड़ा सा ऑड लगा, बिकॉज अब यार सभी लोग टाइप सी यूज़ करते हैं, तो भाई टाइप सी ही दो ना इसमें भी, सबके फ़ोन के जो डेटा केबल्स होते हैं वो भी टाइप सी, उनसे ही चार्ज कर लिया करेंगे। बिकॉज ये जो केबल ना इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है कि तुम इस केबल को काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर पाओगे, इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, कुछ दिन यूज करने के बाद ना ये भाई टियर डाउन होने लगेगी, टूटने लगेगी। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमें और क्या मिलता है। तो यार देखो इस बॉक्स के अंदर ना हमें एक यूजर मैनुअल भी मिल जाता है, ये जो यूजर मैनुअल है इसे देखकर तुम इस कंट्रोलर को यूज करना सीख सकते हो। और मैं तुम्हें ये चीज बिल्कुल रिकमेंड करूंगा एक बार इसे पढ़ लेना, बिकॉज इस कंट्रोलर में ना काफी सारे फीचर्स हैं जो कि तुम इसको देखने के बाद ना एक बार आराम से समझ जाओगे। और इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, तो यार भाई इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक कर
दो। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। सारे फीचर्स के बारे में इसके बारे में बात करेंगे। देखो ये जो कंट्रोलर है इसके पीछे तुम्हें एक बटन मिल जाता है, इसका यूज करके तुम कंट्रोलर को ऑन कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो ब्लिंक कर जाएंगी। और गाइस ये जो यहाँ पे तुम्हें बटन दिख रहे हैं ना एक्स वाई ए बी, तो ये भी काइंड ऑफ ग्लो करते हैं, और जैसे बिल्कुल एक्सबॉक्स का कंट्रोलर आता है ना, सेम उसी कंट्रोलर की तरह इसकी थीम है। और जो लोग अभी तक प्ले स्टेशन वाला कंट्रोलर यूज कर रहे थे ना, तो भाई क्या कर रहे हो तुम, इस वाले पे आ जाओ। ये वाला जो स्टाइल है ना एक्सबॉक्स वाला, काफी अच्छा लगता है और काफी हैंडी लगता है। और इस कंट्रोलर के जो बटन थे ना वो भी काफी अच्छे हैं। एंड इस कंट्रोलर में काइंड ऑफ रबराइज टाइप की फील है, जो कि हैंड ऑन पकड़ने में और गेम खेलने में काफी अच्छा लगता है। अब इसे रख लेते हैं साइड में, और एक दो चीजें और हैं बॉक्स के अंदर, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यार देखो, एक ये वायरलेस रिसीवर मिल जाता है, इसका यूज करके तुम इस कंट्रोलर को अपने पीसी के साथ पेयर कर सकते हो। और जो लोग ये जानना चाह रहे थे ना कि इस कंट्रोलर को हम कौन कौन से डिवाइस में यूज कर सकते हैं, देखो तुम इस कंट्रोलर को अपने पीसी में यूज कर सकते हो। एंड्रॉइड फोन में ये कंट्रोलर नहीं चलता, मैंने पेयर करके देख लिया है, ना ही ये कंट्रोलर एक्सबॉक्स में और प्ले स्टेशन में चलता है, दोनों में से किसी भी चीज में नहीं चलता है। हाँ, इस कंट्रोलर को तुम अपने एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर यूज कर सकते हो, जैसे कि जो हमारे एंड्रॉइड के लिए वो आती है ना बीच वगैरह रेसिंग वगैरह, वो मैंने भाई इस कंट्रोलर का यूज करके प्ले किए थे, तो भाई ठीक ठाक ही चल रहे थे, ऐसा कुछ लैग वगैरह कुछ नहीं आ रहा था, आराम से डिसेंट तरीके से एंड्रॉइड टीवी में भी ये कंट्रोलर वर्क कर रहा था। तो गाइस फाइनली तुम्हें कुछ इस टाइप का कंट्रोलर मिल जाता है। बात करें इस कंट्रोलर के प्राइस की, तो देखो अगर तुम अमेज़न से सेल में इस कंट्रोलर को परचेस करते हो तो तुम्हें अराउंड 1400 रुपीस का इजीली मिल जाएगा। मैंने ये कंट्रोलर 1500 रुपीस का परचेस किया था, बट अगर नॉर्मल में इस कंट्रोलर के प्राइस की बात करूं तो 1600 रुपीस और 1700 रुपीस के आसपास चलती है। और इस कंट्रोलर में ना काफी टाइप की कलर थीम्स आती है, जैसे कि ये कैमो ब्लैक है, तुम कैमो ब्लू कैमो रेड भी परचेस कर सकते हो, और एक कंट्रोलर जो कि बिल्कुल ब्लैक थीम के साथ आता, पूरा ही कंट्रोलर ब्लैक रहता है, वो भी परचेस कर सकते हो। अगर तुम इस कंट्रोलर को परचेस करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कंट्रोलर के लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। और एक और चीज गाइस, इस कंट्रोलर के अंदर ना तुम्हें एक्स इनपुट और डी इनपुट दोनों ही मिलते हैं। होम बटन इसमें दिया हुआ है यहाँ पर, इसका यूज करके तुम एक्स इनपुट और डी इनपुट दोनों में ही स्विच कर सकते हो। और एक और चीज गाइस, जो कि प्ले स्टेशन कंट्रोलर से सीधे शिफ्ट हुए ना इस पर, और उन्हें मतलब प्ले स्टेशन वाली थीम की आदत है थोड़ी सी, तो तुम ना जिसमें जो इसमें ये बटन्स दिए हुए हैं इनका भी एज अ जॉयस्टिक की तरह यूज कर सकते हो। जैसे कि इसमें ये स्टिक्स दी हुई है ना, तो तुम इन्हें भाई डी इनपुट में यूज कर लो या फिर एक्स इनपुट में यूज कर लो, तो तुम ये जो बटन्स है ना वो जॉयस्टिक का काम करने लगेंगे। तो ये काफी अच्छी चीज है, मतलब तुम्हें एकदम से अगर तुम डायरेक्ट इस वाले कंट्रोलर पर शिफ्ट होगे ना, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैं क्या चीज चला रहा हूं, ये तो कुछ नई सी है, कुछ अटपटा सा लग रहा है, कुछ बुरा सा लग रहा है, तो ऐसा नहीं होने वाला। धीरे धीरे तुम्हें इस कंट्रोलर की आदत लग जाएगी, और जैसे तुम्हें इस कंट्रोलर की थोड़ी सी आदत लग जाएगी ना, हैबिट बन जाएगी, तो तुम भाई प्ले स्टेशन वाले कंट्रोलर को ना यूज करना ही बंद कर दोगे, इतना अच्छा होता है ये एक्सबॉक्स स्टाइल थीम। तो ये कुछ ऐसा कंट्रोलर है। और एक और चीज गाइस, जो कि इस कंट्रोलर का बेस्ट फीचर है, वो है इस कंट्रोलर का हैप्टिक फीडबैक। इस कंट्रोलर में जो वाइब्रेशन मिलता है ना वो काफी अच्छा है। नॉर्मली जैसे कि तुम GTA 5 में कार ड्राइव कर रहे होते हो, कार चला रहे होते हो, तो कार अगर ठुक भी जाते ना, तो भाई ये वाइब्रेशन देता है, हैप्टिक फीडबैक देता है। अगर कोई बंदा गोली चला रहा होता, कुछ भी कर रहा होता ना, इस कंट्रोलर के अंदर पता चलता है। और इसमें डायरेक्शनल भी है, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड इस तरीके से मोटर्स इसमें दी हुई है, तो ओवरऑल जो कंट्रोलर का हैप्टिक फीडबैक है ना, जो वाइब्रेशन है, वो भी काफी अच्छा है। और बात करें इस कंट्रोलर की बिल्ड क्वालिटी की, तो देखो बिल्ड क्वालिटी वाइज भी ये कंट्रोलर काफी अच्छा है। तुम ये एक चीज देखो, मैं इस कंट्रोलर को 6 मंथ से यूज कर रहा हूं, वैसे कुछ जो चीजें होती है ना अपने यूजेज के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, बट मैंने इस पर ना काफी अच्छी गेमिंग की हुई है। और गेमिंग से याद आया, देखो मैंने भाई गेमिंग चैनल भी ओपन किया हुआ है आर्केड नाम से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरे गेमिंग चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर मैं GTA 5 के कुछ गेम प्लेज अपलोड करता हूं। तो अगर तुम्हें वो चैनल लगता है तो भाई डेफिनेटली उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, आगे चलकर उस चैनल पर और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम करने वाले हैं। तो भाई फाइनली बिल्ड क्वालिटी वाइज ये कंट्रोलर काफी अच्छा है। मैं इस कंट्रोलर को 6 मंथ से यूज कर रहा हूं, डेली गेमिंग करता हूं, GTA 5 खेलता हूं, अभी तक ये कंट्रोलर एज इट इज जैसा न्यू कंट्रोलर आता है ना वैसा का वैसा ही है। तो ये काफी अच्छी चीज है, मतलब 1500 रुपीस के प्राइस में ना वन ऑफ द बेस्ट कंट्रोलर है जो कि तुम Amazon से परचेस कर सकते हो। और गाइस एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, जो कि इसमें हमारे ट्रिगर्स है ना, जैसे कि एल ट्रिगर्स हो गए और बंपर वगैरह हो गए, ये जो बटन है इनकी बात कर रहा हूं मैं, तो ये भी काफी अच्छे और ये प्रेशराइज टाइप के, मतलब जैसे प्ले स्टेशन में तुम्हें मिलता है ना, तो वो नॉर्मल से तुम प्रेस करके रख दो और कार भागने लगेगी, तो ऐसा नहीं है इसमें ना। देखो तुम यहां से देखो, ये चीज इस तरीके के कंट्रोलर है, इस तरीके के ट्रिगर्स मिल जाते हैं तुम्हें इसमें, एल ट्रिगर्स, जो कि काफी अच्छे हैं भाई, मतलब प्ले स्टेशन के कंपैरिजन में ना। मैं अभी तक एक नॉर्मल सा प्ले स्टेशन का कंट्रोलर यूज कर रहा था, तुम्हें पता ही है, ठीक है, तो उसके हिसाब से तो ये काफी बड़ा अपग्रेड है मेरे लिए। और 1500 रुपीस के बजट में ना, मैं बजट गेमर हूं, तुम्हें पता ही है, तुम भी बजट गेमर हो, मैं भी बजट गेमर हूं, 1500 रुपीस इस कंट्रोलर में इन्वेस्ट करना बिल्कुल वर्थ इट है। तो अगर तुम इस कंट्रोलर को परचेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली परचेस कर लेना भाई, बिल्कुल तुम्हारी गेमिंग इंप्रूव होगी, गेम खेलने में तुम्हें और भी ज्यादा मजा आएगा। और एक और चीज, जब तुम इस कंट्रोलर को अपने पीसी के साथ पेयर करोगे ना, तो जैसे कि जो लाइट ब्लिंक
कर रही है ना, ये ब्लिंक करना बंद कर देंगी। और जब तुम इस कंट्रोलर को चार्ज करोगे तो भी ये लाइट ब्लिंक करेगी। हाँ, एक चीज़ है, अगर तुम इस कंट्रोलर को टर्न ऑफ करके चार्ज करते हो तो इसमें कोई भी चार्जिंग का इंडिकेटर, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये इस कंट्रोलर का एक ड्रॉबैक भी है। तो गाइस फाइनली अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम एक वायरलेस कंट्रोलर लेने की सोच रहे थे ना, तो तुम डेफिनेटली जाकर अमेजोन से ये कॉस्मिक बाइट का नेब्यूला वायरलेस कंट्रोलर परचेस कर सकते हो। और एक और चीज भाई, कॉस्मिक बाइट की तरफ से वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो मैंने बिल्कुल तुम्हें ठीक ठीक चीज बताई है, मैंने कुछ भी इसमें बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोला। नॉर्मल सी जो चीजें इस कंट्रोल में मिलती है वही चीज मैंने तुम्हें बताई है, बिल्कुल फेयर वीडियो है, फेयर रिव्यू मैंने किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने कॉस्मिक बाइट की तरफ से कंट्रोलर लिया हुआ है और मैं इसकी तारीफें मार रहा हूं, तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। मैं भाई बिल्कुल एकदम ऑनेस्ट रिव्यू करता हूं तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज के बारे में तारीफें मारता हूं, जो है वो एज इट इज मैं तुम्हें बता देता हूं, ठीक है। तो अगर तुम इस कंट्रोलर को परचेस करना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर तुम इस कंट्रोलर को परचेस कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और गाइस अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस कंट्रोलर से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मोर इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर पीसी बिल्डिंग की रिलेटेड जानकारी के लिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मैं सभी की जो भी क्वायरी रहती है वो सॉर्ट आउट कर देता हूँ। वेल तो गाइस दिस इज टोनी एंड यू आर वॉचिंग गैजेट बिट यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।